हाँ तो हाँ लोग, इस ब्लॉग की शुरुआत मेरे बस्ती से। बस्ती में आप देख सकते हो बस्ती का हाल कैसा। और अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे को जाना है राजगंज। और मैं जा रहा हूँ लिफ्ट से। ऐसा नहीं कि मेरे पास टेम्पू से जाने या ऑटो से जाने का भाड़ा नहीं या पैसा नहीं है। पैसा मेरे पास है लेकिन पैसा है लेकिन मेरे को लेना है क्या एक्सपीरियंस कि लोग विदाउट मनी ट्रैवल कैसे करते हैं। तो उसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं निकल गया हूँ। मेरे को अभी जाना है अपने दीदी के वहाँ। और ये हेलमेट, तुम लोग पूछोगे भाई लिफ्ट से जा रहे हो तो ये हेलमेट क्यों लेके जा रहे हो, तो ये हेलमेट का एक सस्पेंस है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। और हमारे चाचा जी सो के उठ के जा रहे हैं मुँह धोने के लिए। हाय कीजिए। हाँ यार, तो अभी हम लोग जा रहे हैं राजगंज। मेरे को देखते हैं ये चैलेंज मैं पूरा कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। और हाँ गाइस, तुम लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करो। और वीडियो कैसा लगेगा कमेंट में मेरे को बता देना। और हाँ, कुछ एडवाइस भी देना हो तो कमेंट में मेरे को दे देना। तो चलो हम ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे, मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, आइए। और यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर असली दिक्कत तो यहाँ से शुरू होने वाली थी क्योंकि गोविंदपुर के बाद मुझे किसी ने भी लिफ्ट नहीं दिया। चलो अब दोबारा से ट्राई करते हैं लिफ्ट लेने का। थैंक यू सर, यहाँ तक खोलने के लिए। देखो बाकी वैसे बस्ती पूरा खाली है, खाली चाचा जी यहाँ पे एक काम कर रहे हैं कि घर बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं क्या। अरे वाह, अरे वाह, ठीक है, बनाते रहिए। जब तक लिफ्ट नहीं मिलेगा तब तक साला पैदल चलेगा। अभी तो जस्ट मैं गांव से निकला है, ये देखो मेरे गांव का बाहर का व्यू। अभी तक कोई भी मोटरसाइकिल वाला, कोई भी कार वाला यहाँ से पार नहीं हुआ है। इतना बैकवर्ड एरिया है मेरा, क्या बताएं तुमको। देखते हैं कोई पार होगा बाइक वाला तो उसको हाथ दे के रोकेंगे, बोलेंगे भाई साहब मेरी कॉपी ले लो, मेरे कॉपी ले लो, जहाँ तक जा रहे हो वहीं तक छोड़ दो। हाँ, तो सबसे पहला लिफ्ट हमें मिल गया। जठा जी हम लोग का छोड़ देगा बना गुड़िया था ना। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं राजगंज, जा रहे थोड़ा ऐसे ही जा रहे पैदल। पहले हमको बैठ लीजिए। ये पहला लिफ्ट हमको मिल गया। अब सीधे कहाँ तक जाएंगे? बना गुड़िया ना, बना गुड़िया तक। चलिए चढ़ गया ना, चढ़ गया। चलिए रोड रोड में चलिए, अच्छा होगा। ठीक है, आओ तब। ठीक है, आइए। तो फाइनल गाइस बना गुड़िया मोड़ तक मेरे को छोड़ दिया है मेरा अंकल जी ने। अब मेरे को जाना है यहाँ से पैदल। देखते हैं दोबारा मेरे को लिफ्ट कोई मिलता है कि नहीं मिलता है, पता नहीं। A few moments later. तो फाइनल गाइस बहुत ही खुशी की बात है कि बना गुड़िया मोड़ में मेरे को एक भैया मिले जो कि मेरे को सीधे छोड़ देंगे गोविंदपुर तक। मेरे को दो तीन बार लिफ्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू भैया। क्या नाम है आप भैया? सुनील राय। कहाँ से भैया आप? थैंक यू भैया, थैंक यू बहुत आपका। आप मेरे को गोविंदपुर से छोड़ देंगे ना? अब कुछ बोलना भैया आपको? टेम्पू भी यहाँ खड़ा है लेकिन हम टेम्पू में चढ़ेंगे नहीं, हम ऐसे निकल जाएंगे। टाटा। तो फाइनली गाइस ऐसे करके हम संकटी मोड़ पार कर गए। अब मेरे को जाना है यहाँ से गोविंदपुर जो कि है मात्र 15 किलोमीटर दूर संकटी मोड़ से ना। एक्चुअली मैं गाइस वो जो हाईवे आपको दिख रहा जो हमने छोड़ दिया है वो सीधे जाता है फकीडी होकर गोविंदपुर चल जाता है। और इधर हम लोग को कच्चा रोड पे जाना पड़ेगा क्योंकि इधर से बोड़ी होकर निकल जाएंगे गोविंदपुर। और इधर आपको रोड का हाल देख सकते हो कितना ख़राब है, इसीलिए शायद यहाँ पे रोड बनेगा, इसलिए वहाँ पे एक ओवरब्रिज बनाने के लिए पुल के लिए गड्ढा खोदा हुआ था। तो फाइनली गाइस भाई साहब ने मेरे को गोविंदपुर के समीप बोरियो मोड़ में उतार दिया है। तो एक्चुअली में गाइस बात ये था कि इनको जाना है थोड़ा उधर, इनको हाईवे में आना नहीं था लेकिन स्पेशली मेरे लिए ये मेरे को छोड़ने के लिए हाईवे तक आए। तो बहुत बहुत थैंक यू भैया आपका, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए मिलते हैं आपसे, मिल के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया, फिर आइए, आते रहिए।
पैदल ही निकलना है, उसके बाद हम देखेंगे मेरे को लिफ्ट मिलता है कि नहीं। गोविंदपुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 2 से 3 किलोमीटर से यहाँ पे दूरी है गोविंदपुर। ये टुंडी रोड है, यहाँ से मेरे को देखते हैं लिफ्ट मिलता है कि नहीं। हम अभी ट्राई नहीं किए लिफ्ट लेने का, थोड़ा आगे जाएंगे मार्केट से दूर जाएंगे उसके बाद लिफ्ट लेंगे, क्योंकि मेन मार्केट में आप अगर लिफ्ट मांगते हो तो कोई भी बंदा आपको लिफ्ट देने के लिए नहीं कोसता है। तो हम अभी मार्केट से थोड़ा दूर आ चुके हैं, अब हम इसमें लिफ्ट मांगेंगे। लिफ्ट मांगने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है क्या कि अगर कोई बाइक में है तो वो अकेला होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद तो सवारी है तो आपको कैसे लिफ्ट दे सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, उसके बाद ही लिफ्ट मांगना है, समझे भैया। आ रहा आगे तक छोड़ देना, गोविंदपुर तक छोड़ दीजिए ना। गाड़ी नहीं, हम ऐसे ही पैदल ही जा रहे हैं। हेलमेट क्या पहना है? हेलमेट थोड़ा काम है, आगे बाइक है, आगे रखा हुआ है मेरा। ठीक है, थैंक यू भैया, चलिए। फाइनली गाइस यहाँ से भी मेरे को कहाँ तक जा रहे हैं भैया? और धन्यवाद दीजिएगा, एक काम कीजिए ना, हमको वहाँ छोड़ दीजिएगा ऊपर बाजार में। हाँ ठीक है। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग हैं गोविंदपुर में। गोविंदपुर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अगर आपको इस पार से उस पार जाना है रोड के, तो आपको बहुत आगे से घूम के आना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट नहीं जा सकते। देखो चौक कितना जाम है, देखो भीड़, देखो यार जिधर तिधर से बाइक पार हो रहा है, जैसे तैसे पार हो रहा है। ये देखो आप गोविंदपुर का ब्यूटी। और ये है गोविंदपुर का निजी बाजार का चौक। अगर गोविंदपुर मार्केट में आपको इस रोड से आना है, तो इधर या तो आप निजी बाजार से घूमना पड़ेगा यहाँ पे, या तो आपको घूमना पड़ेगा ऊपर बाजार में जाके, मतलब गोविंदपुर बीच चौक में आप नहीं घूम सकते हो। यह है यहाँ का रोड, समझे। जहाँ हम अक्सर जाते रहते हैं, पर आज हम यहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि मेरे को जाना है राजगढ़, समझा। चलो हम लोग आ गए हैं जस्ट गोविंदपुर क्रॉस की, अब हम लोग निकलेंगे ऊपर बाजार की ओर। और ये भाई साहब मेरे को ऊपर बाजार में छोड़ देंगे, वहाँ से दोबारा से मेरे को जाना है राजगढ़। ठीक है, उतार दीजिए हमको। भाई साहब ने मेरे को ऊपर बाजार में छोड़ दिया, थैंक यू सर आपका। आप ये आइए सर, फिर थैंक यू सर, आइए। हाँ ठीक है, भाई साहब ने मेरे को छोड़ दिया है गोविंदपुर ऊपर बाजार, और यहाँ से मेरे को इधर जाता है धनबाद, और इधर जाता है सीधे जो कि राजगंज। क्योंकि भाई साहब को धनबाद जाना था, वो धनबाद चले गए, मेरे को जाना है राजगंज, इसलिए हम यहाँ पे उतर गए। और यहाँ से हम फिर से अपना सफ़र को शुरू करेंगे, देखते हैं जिससे मेरे को लिफ्ट मिलता है या नहीं मिलता है। तुम लोग बने रहो। हाँ तो एक्चुअली में गाइस वो भाई साहब को ना मेरा हेलमेट देख के कंफ्यूजन हो गया पूरा, बोलता है क्या बात है भाई, तुम्हारा कहीं बाइक खराब हो गया क्या? लेकिन मैंने उसको देख के बताया कि हेलमेट बस सस्पेंस है, मेरे को जाना है राजगंज दीदी घर। तो वो उनको समझाया था, वो समझ गए, और मेरे से उनका काफ़ी अच्छा दोस्ती आराना हो गया बातचीत करते करते। तो अभी हम लोग है हाईवे पे, NH2 इसको बोलते हैं, नेशनल हाईवे, जो कि जाता है दिल्ली से कोलकाता। उधर जाओगे आपको मिलेगा दिल्ली, इधर जाओगे पीछे आपको मिलेगा कोलकाता, और दोनों के बीच में गोविंदपुर की ऊपर बाजार में हम है। और सबसे बड़ा दिक्कत का बात ये होता है कि कहीं से भी हाईवे में या फिर लोकल एरिया में आप लिफ्ट मांगते हो तो आपको लिफ्ट आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस तरह के हाईवे में आपको लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम फिर भी ट्राई करेंगे, हार नहीं मानेंगे जब तक है जान, हार नहीं मानेंगे, ट्रैवल करेंगे विदाउट मनी लिफ्ट लेके। तो तुम लोग बने रहो यार, सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया, एक छोटा छोटा कुत्ता यहाँ पे खेल रहा है गोविंदपुर मार्केट में, चलो आपको दिखाते हैं। अरे यार ये कौन है रे, क्या कर रहे तुम यहाँ पे? देखो यार कौन मिल गया अपना जमहूरी वाला यार, मैं क्या नाम था?
राहुल क्या बात है, बहुत छोटी बात तुमसे मिल गई यार। बस हम थोड़ा जा रहे हैं, राजगंज जा रहे हैं, उनका शादी कर रहे थे। ठीक है आते हैं। और स्काउटिंग कैसे चल रहा है? स्काउटिंग करेंगे अभी, टेंथ पास, टेंथ पार हुआ है, अभी करेंगे। रिजल्ट क्या आया? तुम सीबीएसई बोर्ड में ना? नहीं आया, सीबीएसई बोर्ड में ना। चलो ठीक है आते हैं। तो गाइस एक्चुअली में क्या था कि मेरे को मिल गया था, हम जिसके साथ गए थे जम्बूरी, जम्बूरी मतलब राजस्थान, राहुल मिल गया था। काफ़ी अच्छा लगा उसके साथ बात लेना, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया। तो चलो अब दोबारा से ट्राई करते हैं लिफ्ट लेने का, क्योंकि हम पैदल चल के ज़्यादा दूर आ गए हैं, अब हम ट्राई करेंगे लिफ्ट लेने का। तो बने रहो, देखते हैं पीछे मुड़ के कोई देगा तो लिफ्ट। क्योंकि मेरे को जाना है ज़्यादा दूर, इसलिए मेरे को जो आदमी हेलमेट पहनना है उसी से लिफ्ट मांगना है, क्योंकि जो हेलमेट नहीं पहनना है उसे लिफ्ट मांगेंगे तो वो थोड़ा दूर जाके मेरे को छोड़ देगा। इससे अच्छा है कि हम जो हेलमेट पहना है उसे लिफ्ट मांगे, वो मेरे को ज़्यादा दूर तक छोड़ देगा। ज्यादा बाइक जा रहा है, अगर हम किसी को लिफ्ट मांग रहे हैं तो वो कंफ्यूजन हो जा रहा है खुदे में, क्या हमको बोल रहा है ना किसी और को बोल रहा है, खुदे कंफ्यूज हो जा रहा है तो वो कैसे लिफ्ट देगा बताओ। तो गाइस चलते चलते बहुत आगे आ गया, सारा लिफ्ट नहीं मिल रहा है, कहा जो करें, हाथ मार रहा है कोई सुनबे नहीं कर रहा है। आगे तक छोड़ दीजिएगा भाई, हमको तो राजगंज तक जाना, आप कहाँ जा रहा है? हम तो यहीं तक छोड़ दीजिए, जाना क्या रहा है ओवर ब्रिज के पास? ठीक है फिर आइए, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली में गाइस ये गाइस रुके थे मेरे को लिफ्ट देने के लिए, लेकिन एक्चुअली में ये थोड़ा आगे जाके मुड़ जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे चला नहीं, क्योंकि बस लोकल लेके हैं, कितना ही दूर छोड़ देंगे। वो भी बोले कि नहीं हम यहीं मुड़ जाएंगे, इसलिए आप ले नहीं सकते, लेकिन अच्छे आदमी थे, रुक गए, मेरे को देख के अच्छा लगा। मेरे को ये बहुत देर से हम लिफ्ट मांग रहे हैं, मेरे को लिफ्ट मिल नहीं रहा, शाम भी होने को चला है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, आप लोग बने रहो। ये भाई साहब रुक गए हैं, ये भाई साहब एक रुक गया, देखते हैं देखते हैं, एक भाई साहब यहाँ पे रुक गया, देखते हैं क्या अच्छी होता है। सर थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिएगा, आगे तक छोड़ दीजिएगा, कहाँ भाई? राजगंज तक जाना है। हाँ मेहनत के बाद मेरे को लिफ्ट मिल गया, ये भाई साहब जो है मेरे को छोड़ देंगे राजगंज तक। थैंक यू यार, थैंक यू, इतना दूर चलने के बाद फाइनली मेरे को लिफ्ट मिल गया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही राहत महसूस हो रहा है। चलिए भाई साहब ने मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया, चलिए सर आइए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सर, हाँ यहाँ तक छोड़ने के लिए आइए सर। तो भाई साहब ने मेरे को राजगंज तक छोड़ दिया, राजगंज नहीं, राजगंज से पहले एक चाली बंगला मोड़ आता है वहीं पे मेरे को छोड़ दिया, अब मैं यहाँ से चलूँगा दीदी घर की ओर, आ रहा हूँ मैं। क्या तो गाइस ये देखो, ये चाली बंगला मोड़ है और यहाँ पे एक छोटा सा दुकान है, यहाँ पे जस्ट आगे में ये देखो, यहाँ से हम कुछ मीठा वीठा ले लेंगे। गाइस ये देखो कुछ कुछ लड्डू यहाँ पे, ये वाला मैंने पैक करा लिया है दीदी घर जाने के लिए, बस यहाँ से थोड़ा लड्डू मैं ले लूँगा, उसके बाद जाऊँगा दीदी के यहाँ, तुम लोग बने रहो। तो फाइनली गाइस दुकान से लड्डू लिया, पानी वानी पिया, फिर मैं निकल लिया, क्योंकि काफ़ी दूर से आ रहा था, मैं पानी वानी कुछ पिया नहीं था रास्ते में, तो यहाँ मेरे को बहुत जोर से प्यास लगा था, तो मैंने पानी पी लिया, लड्डू भी ले लिया दीदी घर के लिए। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ पैदल, क्योंकि इधर लिफ्ट बाय चांस ही मिलेगा, क्योंकि देख सकते हो ये गांव देहात का रोड है, हाईवे मैंने छोड़ दिया है। अब यहां से जज्जा नहीं, 1 से 1.5 किलोमीटर मेरे को जाना है पैदल, लिफ्ट मिलेगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो हम पैदल ही मार देंगे। तो तुम रुको, बने रहो। A few moments later. या अय्या मेरे कमे गले रे, कमे गले रे, लेट किस है बता? लेट रोड में से भरना के चाय 4:30 टाइम घर से बैठ लियो, बुझले डिचिंग डिचिंग नन्ने मामा घर जाब है नन्ने मामा घर जाब है
लगे। तो फाइनली लोकेशन पे पहुंच गए हैं, अब हम यहाँ पे आराम करेंगे। 12 seconds later. हम लोग अभी वापस जा रहे हैं घर की ओर। इधर हमारा दीदी जो है कैमरा कर रहा है, इधर हमारा बैग नहीं बैठी हुई है। कब हाँ तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ सस्पेंस है। सस्पेंस क्या है? मैंने हेलमेट, मैं लिफ्ट से आया था, ऑटो से आया था, फिर भी मैंने हेलमेट लेके आया था। तो हेलमेट का सस्पेंस क्या है? क्योंकि मैं यहाँ से भूम भूम बाइक पे जा रहा हूँ, समझे? इसीलिए मैंने हेलमेट पे लाया था, क्योंकि दीदी बोलती थी कि भाई मेरे घर में तो हेलमेट नहीं है। तो हेलमेट नहीं है तो बस वही हेलमेट मेरे को घर से लाना पड़ा। हेलमेट पहनेंगे और चलेंगे सीधे हम अपना घर की ओर। तो तुम लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जल्दी टक टक करके बता दो, और मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोर जोर जय जोहर। तुम लोग शायद चैनल पर नया हो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, और हाँ वीडियो को लाइक करना। हिंदे हिंदे बड़ो बड़ो गाली की ना बड़ा।